सपनों में लड़कियां दिखती है तो मतलब जाने क्या होता है। कृष्ण उपदेश भगवत गीता। क्या आपको भी अपने सपनों के पीछे का मतलब समझ में नहीं आता? क्या आपको भी उल्टे सीधे और गंदे सपने आते हैं? क्या आपको भी कोई सपना लगातार परेशान करता जा रहा है? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए तो बनाई है हमने, क्योंकि भले ही हम भारतवासी अपनी संस्कृति अपने कल्चर का सम्मान करने में बिल्कुल लीचड़ हो, लेकिन सालों से चली आ रही कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हमारे भारत में आज भी मौजूद है जो इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख सकती हैं। जी हाँ, जिस तरह ज्योतिष शास्त्र से आने वाले कल का पता चलता है, ठीक उसी तरह स्वप्न शास्त्र से आपके द्वारा देखे गए सपने के पीछे का अर्थ पता चलता है, जो कई बार इतना खौफनाक होता है कि सुनकर ही पैरों तले से जमीन खिसक जाए। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वप्न शास्त्र के हिसाब से सपनों के क्या मायने होते हैं, कौन सा सपना हमारी किस्मत चमका सकता है और कौन सा सपना हमें एक ही झटके में जमीन पर गिरा सकता है। दोस्तों, वीडियो वाकई में दिमाग को हिला देने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सपने यानी ड्रीम्स देखना बिल्कुल भी नई बात नहीं है। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता है, पर इंसान का दिमाग तब खराब होता है जब एक ही तरह का सपना उसे बार बार दिखाई देता है, या फिर किसी एक प्रकार के सपने को देखने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा या बुरा होना शुरू हो जाता है। ऐसे में सपने को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। आप माने या ना माने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि ये वो चीजें देख सकता है, महसूस कर सकता है और पहले से ही उसका अंदाजा लगा सकता है जब तक हुई ही नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड होने वाली घटना के बारे में आपको पहले से ही हिंट देना शुरू कर देता है, और जो सपने दिखाने का काम होता है वो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ही तो करवाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर होने के बाद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। इस बारे में आज से हजारों सालों पहले लोगों को मालूम था, इसीलिए उन्होंने सपनों को जानने वाली विद्या की शुरुआत की, जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही चमत्कारिक विद्या है जिसके बारे में अगर किसी को पता चल जाए तो वाकई में उसकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है लेकिन उसके पीछे का मतलब समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जैसे कि एक बिल्कुल कॉमन सा सपना ले लो जिसमें लोग सांप को देखते हैं। अब सांप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, जब कभी मैंने सपने में सांप देखा है तो मेरी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हुई है, फिर चाहे मुझे पैसों से नुकसान हुआ हो या फिर मेरे रिश्ते बिगड़े हों या फिर कोई ऐसी चीज हुई जिससे मुझे गहरा दुख पहुंचा हो, और स्वप्न शास्त्र के अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी क्या आप भी सपने में सांप देखने के बाद बेचैन हो जाते हैं और आपके साथ कुछ गलत होता है, या फिर आपके साथ इसका ठीक उल्टा होता है? अपना जवाब हमें कमेंट में बताना जरूर। आइए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सपने के बारे में बात करते हैं जो हर लड़के या लड़की को आता ही है, खास करके तब जब वो जवान होते हैं यानी किशोरावस्था में होता है, और वो अपना सपना कुछ और नहीं बल्कि संभोग करने का होता है। जी हाँ, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने भी कभी ना कभी सपने में खुद को या फिर किसी और को संभोग करते हुए देखा होगा। और इस तरह के सपने के बाद जब इंसान की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसने बहुत ही गलत किया है। यहाँ तक कि अगर किसी को भी इस तरह का सपना आता है या फिर आया होगा, उस एक्सपीरियंस को वो इंसान कभी नहीं भूल रहा होगा। कई बार तो सपना इतना सच लगने लगता है कि आप ऐसे मान लेते हैं कि आपने असल में संभोग किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है स्वप्न शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? असल में स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई पुरुष जिसे संभोग करने का सपना आया है तो उसे आने वाले समय में भारी लाभ होता है, यानी कि कोई बढ़िया चीज उसे प्राप्त होती है जो उसे मानसिक शांति और आर्थिक संतुलन देती है। इसके अलावा एक और सपना आता है मृत्यु का सपना, खुद की मौत का सपना। जी हाँ दोस्तों, अगर खुद की मौत का सपना आता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि कोई चीज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, यानी कि परेशान कर रही है। आपको किसी चीज का गिल्ट है, अगर आपने किसी काम के प्रति ग्लानि महसूस करी है, आपको पश्चाताप हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको अपनी मृत्यु का सपना एक से अधिक बार आ रहा है तो आपको थोड़ा बैठकर शांति से सोचना चाहिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ऐसा क्या चल रहा है जो आपको इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और अगर आपको पता है तो बिना देर किए उस पर विचार करें
और अपने आप को संभाल लें, वरना ये जो पश्चाताप और ग्लानी का एहसास है ये आपके दिमाग पर हावी होने लगेगा। अब दोस्तों एक और बहुत ही कॉमन तरीके का सपना होता है जो सबको आता है, और वो है अपने सपने में भगवान को देखना, यानी कि ईश्वर को देखना या फिर किसी पूजनीय पात्र को देखना जिसकी वो इंसान इज्जत करता हो और भगवान का दर्जा देता हो। तो दोस्तों ऐसा सपना इंसान को तब आता है जब धर्म और आस्था के प्रति उसकी रुचि बढ़ रही हो, और अगर नहीं हो रही है तो इस तरह के सपने को देखने के बाद इंसान को अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सपना कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि ऐसा सपना दिखाकर प्रकृति आपसे कहना चाहती है कि आपको मानसिक शांति और संतुलन की जरूरत है जो ईश्वर का ध्यान करने से मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों स्वप्न शास्त्र में अलग अलग तरह की चीजें सपने में दिखने के अलग अलग संकेत बताए गए हैं जिन्हें समझना बड़ा जरूरी है। स्वप्न फल ज्योतिष की माने तो अगर किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष मैथुन करता है तो उसे खूब सारा धन प्राप्त होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी गलत सपने में दिखती है उतने ही इसके पीछे सच छुपा होता है। अगर आप किसी बच्चे को सपने में चलते हुए देखते हैं तो आपको रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। फल की गुठली को देखना, यानी कि अगर आप अपने सपने में फल की गुठली देखते हैं तो बहुत ही बड़ा धन लाभ होने की योग्य बनते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है। पलंग पर सोना, यानी अगर आप अपने आप को पलंग पर सोते हुए सपने में देखते हैं तो आपको गौरव की प्राप्ति होने की संभावना है। हमारा मतलब है आपको काफी मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, और आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे होंगे वहां आपकी प्रशंसा होगी और आपके काम को सराहा जाएगा। यदि दोस्तों आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो आपकी समस्याओं का अंत होता है, क्योंकि आपने सपने में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर आपकी समस्याओं का अंत जरूर करने आएंगे। अब अगर आपको सपने में चावल दिख जाते हैं तो अच्छा संकेत है, क्योंकि ऐसा होने से आपकी बहुत पुरानी शत्रुता समाप्त हो जाती है और सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। यदि आप सपने में हरा भरा जंगल देखते हैं तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि हम स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको हर सपने का अर्थ बताने जा रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये वो सपने हैं जो अक्सर इंसानों को आते हैं और वो पहचान नहीं पाता कि आखिर वो सपना उसे आया क्यों है। दोस्तों अगर आप सपना देखते हैं और सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको प्यास लग रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में लालच बढ़ रही है। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप पानी में डूब रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, यानी जब आप अच्छा करेंगे तो जिसका इशारा आपको मिल गया है। अब दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ सपना देखते हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हो तो याद रखिए आपकी लंबी यात्रा बनने के संयोग बन रहे हैं। दोस्तों अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सपना देखते हैं तो हमें सपने में जन्नत दिखाई देती है, यानी स्वर्ग दिखाई देता है, और अगर आपने भी सपने में स्वर्ग देखा है तो समझ लीजिए आपके भौतिक सुख बढ़ने वाले हैं, यानी आप कुछ ऐसा खरीदेंगे या फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको काफी खुशी देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत समय से किसी मोबाइल फोन की जरूरत है और किस्मत से आपने वो फोन खरीद लिया या फिर मिल गया, तो आपको काफी खुशी होगी और इस खुशी का अंदाजा आपको सपना देखने की वजह से पहले ही लग जाएगा। पर दोस्तों सभी सपने अच्छे होने जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सपने में दांत को टूटते हुए देखते हैं तो आपकी समस्या बढ़ने वाली है, या फिर आप अपने सपने में देखते हैं कि भूकंप आ गया है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार उसका ये मतलब होता है कि आपके संतान को, यानी कि आपके बच्चों को कष्ट हो सकता है। यदि आप सपने में खुद का दिवालिया निकला हुआ देखते हैं तो मानकर चलिए आपका व्यवसाय चौपट होने वाला है। अगर आप सपने में किसी परिचय के मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं और उसे पुकारने लगते हैं तो समझ जाइए आपकी जिंदगी में दुख और समस्याएं बढ़ने वाली है। अगर आप सपने में अपने आप को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं तो ये मानकर चलिए आप किसी बड़े संकट में फंसने वाले हैं। अगर आप सपने में कोई नाच गाना देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, और ऐसा होने से आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, या फिर अगर आप सपने में कोई अस्त्र शस्त्र या औजार देखते हैं तो मानकर चलिए कि मुकदमे में आपको हार मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ सपने और उनके पीछे का असली सच। अब आपको इनमें से कौन सा सपना सबसे ज्यादा आता है कमेंट में बताना जरूर, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।